अभिवादन करते हुए और लोग लगातार जो है वो यहाँ पर पुष्प जो है वो उन पर बरसाते हैं। मोदी 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जबलपुर में पहुंच चुके हैं और इस समय आप देख सकते हैं यहां पर माहौल रोड शो में शामिल होने के लिए जो है पीएम मोदी यहां पहुंच चुके हैं और इस समय आप देख सकते हैं यहां पर कटंगा तिराहा से लेकर के छोटी लाइंस तक जो है यहां पर ये पूरा 1.2 किलोमीटर का रोड शो है और सड़क के दोनों किनारे आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो जबलपुर की जनता है वो यहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए जो है वो आई हुई है और हर जगह जो है वो मंच ऐसे बनाए हुए हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षणों में जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, इस रोड शो में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल पीएम मोदी की तरफ से इसी जबलपुर के रोड शो से जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है और देख सकते हैं लोग बेसब्री से जो है वो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी जो कि एयरपोर्ट से अब यहाँ पहुंच चुके हैं और बस अब इस रोड शो में जो कटंगा तिराहा जिसको भगत सिंह चौक भी कहा जाता है वहां से शुरू होकर के छोटी लाइन यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य चौक तक जाएगा और उस बीच में जो है पूरा जो रास्ता है यहाँ पर हम मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के दोनों किनारे बड़ी संख्या में लोग और छतों के ऊपर भी जो यहाँ पर दुकानें हैं जो यहाँ पर घर हैं वहाँ पर भी लोग आपको जो है नजर आएंगे बड़ी संख्या में, यहाँ पर वो छतों से जो है वो स्वागत करेंगे पीएम मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं, इस रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और लोग आप देख सकते हैं हमने मोबाइल फोन निकाल करके हर उस लम्हे को कैद करना चाहते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी इस रोड शो में शामिल हैं और अभी जो है देख सकते हैं अब ये पूरा काफिला है गाड़ियों का और बीच में ही जो है वो रथ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लोग जो है वो यहाँ पर काफी उत्सुक काफी उत्साहित जो है वो पहले से ही थे जब से पता लगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकलने वाला है और इस समय देख सकते आप यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा काफिला है वो यहां पर है और सामने भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम अब आगे जैसे जो है वो बधाई नृत्य की तरफ से जो है यहां पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अब धीरे धीरे इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए और लोगों की तरफ से अलग अलग संगठनों की तरफ से अलग अलग यहाँ पर आए हुए समाज के लोगों की तरफ से जो है वो स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पूरा जो ये इस समय रोड शो के दोनों किनारे जो लोग इस समय मौजूद हैं वो पूरे 400 पार की जो है बात इस समय यहाँ पर कर रहे हैं और देख सकते हैं इस समय ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे रथ पर मौजूद हैं और लोग जो है वो लगातार यहाँ पर मोदी मोदी के नारे जो है वो यहाँ पर लगाते हुए और पीएम नरेंद्र मोदी अब जो है धीरे धीरे इस काफिले में आगे बढ़ते हुए और लोग जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर में अपना चुनावी अभियान यहाँ पर शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश का इस भव्य रोड शो के माध्यम से। पीएम नरेंद्र मोदी अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि धीरे धीरे जो है वो इस काफिले में आगे बढ़ते हुए समयबद्ध तरीके से, पहले जो है उन्होंने आज के चुनावी अभियान की शुरुआत की थी बिहार के नवादा से, फिर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और अब उसके बाद मध्य प्रदेश का जो महाकौशल क्षेत्र है और महाकौशल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा शहर है जबलपुर, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आ पहुँचे और आप देख सकते हैं इस समय भव्य रोड शो में मेगा रोड शो में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और लोग जो है स्वागत करते हुए हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इस रोड शो में। और अब देख सकते हैं यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी हाथ में जो है कमल के फूल का निशान है और उनके साथ जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ आशीष दुबे जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर से वो आपको जो है यहां पर नजर आएंगे और इस समय रोड शो में सीधे आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी भगवा कुर्ता आज पहना हुआ है और पूरी इस समय रोड जो है वो भी भगवा में हो चुकी है और स्वागत करते हुए लोग यहां पर उनके साथ आशीष दुबे हैं जो यहां के प्रत्याशी हैं और साथ में जो है डॉक्टर मोहन यादव हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छोटे हो बच्चे हो देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए यहाँ पर और हर कोई जो है वो
को अपने फोन में कैप्चर कर सकते हैं आप। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो में, और जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का, ऐसे ऐसे लोग भी जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको ये भगवा चुन्नी जो है वो उन्होंने यहाँ पर ली है, और भगवा चुन्नी जो है वो यहाँ पर अब उन्होंने वो ओढ़ ली है लेकर के जो उनके स्वागत के लिए रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। और पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि जब जबलपुर में रोड शो निकाला जाएगा तो भव्य जो है ये रोड शो होगा और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या कहेंगे, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और पूरा सलाबा तक आ रहा है उनके साथ। अच्छा जी, बहुत अच्छा समय है और हम लोग को बहुत उल्लास आनंद हो रहा है मोदी जी के रैली में शामिल होकर, और जोश बहुत जोश नज़र आ रहा है, सारी जनता पूरी यहां जोश के साथ लगी हुई है। मानो जैसे कि हम बहुत प्राचीन समय पर चले गए, हमारा राजा आ रहा, हमारा मुखिया आ रहा भाई, और ऐसा लाव लश्कर तो देखने में एक कल्पना थी जो आज जबलपुर शहर में देखने को मिल रही है। एक दिन विश्व का सबसे बड़ा नेता बनेगा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। कांग्रेस कह रही है रोक देंगे इनका, अभी जीत का आप यहीं पर रोक देंगे, 10 साल बहुत हो गया जी। कांग्रेस कह रही है आप रोक देंगे इनके जीत का सिलसिला यहीं पर। कांग्रेस का कुछ दिन बाद पता भी नहीं चलेगा कि कांग्रेस थी क्या। ठीक है, तो देख सकते हैं पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो है लगातार यहाँ नारेबाजी जो है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे यहाँ पर लगते हुए, और देख सकते हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस रोड शो में जो है वो शामिल हुए। मध्य प्रदेश का चुनावी आगाज जो है वो मध्य प्रदेश के इस जबलपुर जो है वो क्षेत्र से किया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से। इसके बाद जो है वो चुनावी जनसभाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे फिर वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, वो यहाँ पर इस रोड शो में। और अभी आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे, और साथ ही साथ आशीष दुबे जो इस जबलपुर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इस रोड शो में अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से अभिवादन करते हुए और लोग लगातार जो है वो यहाँ पर पुष्प जो है वो उन पर बरसाते हैं। मोदी 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 मोदी, देश का नेता कैसा हो, प्रधानमंत्री जैसा हो। मोदी मोदी मोदी, अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर मोदी 400 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं यहां पर और हाथ हिला करके जो है अभिवादन करते हुए यहाँ पर लोगों का। मोदी 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 मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर, अब की बार सकते हैं। अभी पीएम मोदी का काफिला जो है वो यहां पर पहुंच चुका है और किस तरीके लोग जो है वो लगातार काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए यहां पर आपको नजर आएंगे। भारत बनाने के लिए
तो ये देखिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कुछ मंगाया जो यहाँ पर पोर्ट्रे रखा गया था। और ये देखिए अभी ये जो आत्मनिर्भर भारत किया ये जो मॉडल बनाया उसको थम्स अप दिखाते हुए, और ये देखिए इस समय जो है यहाँ पर अभिनंदन करते हुए, ये जो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनाया गया है यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत के मॉडल को देखिए बार बार जो है वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय सीधे तौर पर विजुअल्स में आपको दिखेगा, हाथ में जो है वो सिंबल, पार्टी का सिंबल कमल का फूल जैसा गाजियाबाद में भी देखने को मिला था वही सिंबल लेकर के इस समय देखिए आप सीधे विजुअल्स में हाथ हिला करके लोगों का जो है वंदन अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।